बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। तमाम उन खबरों पर, मार्केट के तजियात पर और आने वाले दिनों में क्या मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा, हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक्स आपने देखे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा आज का मुस्तरद तीसरे नंबर पर बैंक्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये दो वो तीन वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज हमारा जो कल लेवल था तकरीबन 41,800 से 900 पॉइंट्स की रेंज, जैसे ही 100 एक्स वहाँ पर पहुँचा, बहुत दबाव महसूस किया उसने और इवेंचुअली तमाम इंट्राडे गेन जो कि आज के हाई 100 एक्स ने आज हाई पोस्ट किया 41,847 पॉइंट्स का, और इंट्राडे इजाफा था कल के क्लोजिंग पे लगभग 324 पॉइंट्स का उसने ज़ाया किया और एक वक्त पर लो पोस्ट किया 41,404 पॉइंट्स का, जो कि इंट्राडे खसारा रहा 118 पॉइंट्स का। कारोबार के अख्ताम पर फिर एक बार रैली की उसने और यूं 200 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तकरीबन 41,723 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तो ये वो आज का टोटल खुलासा है। फ्लक्चुएशन थी, उतार चढ़ाव था और इवेंचुअली 100 एक्स कामयाब ज़रूर हुआ 200 पॉइंट्स का इजाफा करने में, और यूँ पिछले तीन दिन में 100 एक्स मजमूई तौर पर 1,253 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ है। बेसिक जो वजूहात हैं वो वही इस वक्त जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में 100 एक्स का जो रुझान है और ये लेवल जो कि 41,887 पॉइंट्स की सतह पर है इस वक्त, वो काफ़ी भारी रेजिस्टेंस रखता है। कल भी हम तवक्को करेंगे कि इस सतह पर 100 एक्स रेजिस्टेंस को बना सकता है, जबकि एक बड़ा और मेजर रेजिस्टेंस लेवल 42,115 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। आज जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, जैसा कि आपने देखा, OGDCL जो कि पिछले दो लगातार दिन से कैप था, आज वो कैप ना हो पाया, और ओवरऑल तमाम दिन स्टॉक में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी यानी सेलिंग देखी, 2,23,00,000 शेयर्स का टोटल आज काम हुआ OGDC में, 95.30 रुपये का लो भी पोस्ट किया और अपर साइड पर अगर हम देखें तो 100.90 रुपये का हाई रहा, जबकि क्लोजिंग स्टॉक की 99.78 रुपये की रही। यूँ तमाम दिन डायरेक्शनलेस रहा और क्लोजिंग हाई के बिल्कुल करीब रही और हमें इंडिकेट कर रहा है कि कल फिर स्टॉक में अपर साइड पर रुझान रह सकता है, क्योंकि लोअर साइड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो काफ़ी ज़्यादा उसने कर ली है। बहुत सारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो शायद आज के बड़े वॉल्यूम से हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एग्जिट कर गए हैं, लेकिन स्टिल 104 से 107 रुपए की सतह को स्टॉक छू सकने की पूरी ताकत रखता है, जो कि हम आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग रोज़ में ये लेवल हिट होता हुआ देखेंगे। OGDC की जानब से पाकिस्तान पेट्रोलियम कल की पुल बैक के बाद 83 रुपये को होल्ड ना करने के बाद, फेल होने के बाद आज मंदी का शिकार हुआ, 1 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से स्टॉक तीसरे नंबर पर रहा, 1,58,00,000 शेयर्स का काम ज़रूर किया उसने, एक बार फिर से शायद चौथी बार ये 83 रुपये को टच कर जाए कल या परसों, इतनी गुंजाइश है अपर साइड पर पाकिस्तान पेट्रोलियम में। शिफ्ट होता हुआ नज़र आया आज और ख़ासतौर पर कल के सेक्टर में, आज वो ज़्यादा बढ़ गया, सरमायाकारों का रुझान आज दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट होता हुआ नज़र आया जिनमें हालिया दिनों में कोई रैली नहीं देखी गई थी, और यूं भी वो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में थे, अपनी सपोर्ट लेवल्स के बिल्कुल पास थे। उन पर मज़ीद हम तवक्को करेंगे कि कल ये जो शिफ्ट है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है, वो दोबारा से उन स्टॉक्स में काफ़ी हद तक कन्वर्ट होगा जो कि अभी तक कोई ख़ास रैली नहीं कर पाए।
वहाँ पर एक अच्छी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी उन स्टॉक्स का जायज़ा लेना चाहिए और आइडेंटिफाई का ही करने चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अभी इस रैली में लीड नहीं किया, पीछे रह गए हैं, जिनमें पोटेंशियल गेन का ज़्यादा है, ना कि उन स्टॉक्स में जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन कर चुके हैं और वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट मार्जिन के। अपर साइड पर स्टिल हमारा लेवल यही रहेगा और लोअर साइड पर हंड इंडेक्स एक बार 41,400 और 41,278 पॉइंट्स की सतह पर इब्तदाई सपोर्ट बनाने की कोशिशों में है। ओवरऑल आज वॉल्यूम्स में भी कमी देखी गई 1.15% की कल के मुकाबले में। टोटल वॉल्यूम्स आज 36 करोड़ और 84 लाख शेयर्स का रहा, जिसकी मालियत भी कम हो गई कल के मुकाबले में। 16.4 अरब रुपए की टोटल आज की मालियत रही। कल हमने 37 करोड़ और 27 लाख शेयर्स का काम देखा था मार्केट में, उसकी मालियत तकरीबन 17.2 अरब रुपए की रही थी। टोटल आज 359 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, कल के 372 के मुकाबले में 190 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा देखा गया, 140 की कीमतों में कमी, जबकि 29 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। टोटल आज 171,611 ट्रेड्स हुई, कल के 1,83,660 ट्रेड की। तो ये बैलेंस हमें बता रहा है कि जैसे जैसे मार्केट इस सतह पर पहुंची है, मार्केट में सरमायाकारों का इंटरेस्ट दो चीज़ों में, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स और वॉल्यूम्स में कम देखा गया है। कल मज़ीद बैलेंस ऑफ जो पावर है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर्स, जैसा कि आज जो काबिल जिक्र स्टॉक्स रहे जहां पर पिछले दो दिन से OGDC टॉप कंट्रीब्यूटर था हंड इंडेक्स को, आज वो नज़र नहीं आया। पहले 9 स्टॉक्स में जहां पर सिस्टम्स, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, TRG पाकिस्तान, MCB बैंक, हबीब बैंक, एबट लेबोरेटरीज, सर लकी कॉरपोरेशन, LCI और लॉचे केमिकल टॉप 9 कंट्रीब्यूटर्स रहे। आज की टोटल जो 200 पॉइंट्स का गेन है और इन 9 स्टॉक्स ने तकरीबन 209 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। कल हम देखेंगे कि ये बैलेंस बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, नए स्टॉक्स आएंगे और ख़ासतौर पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स इस वक्त तमाम के तमाम 85 से 90% स्टॉक्स फ़िलहाल उस सतह पर पहुंच गए हैं कि जहां पर इन्फ्लेटेड लेवल है, इन्फ्लेटेड मींस के थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में मौजूद हैं। बहुत शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान का जो प्लान उन्होंने दिया था सर्कुलर डेट ख़त्म करने का इंटू एनर्जी सेक्टर, जो कि 1.5 ट्रिलियन था एज ऑन June 30, 2022 के लिए, वो रिजेक्ट हुआ और ये रिपोर्ट हुआ अक्रॉस द बोर्ड, स्पेकुलेट हुआ मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिसके बायस हमने देखा कि मार्केट में उन स्टॉक्स में आज रुझान नहीं नज़र आया। PPL, OGDC, SNGP जो कि पिछले काफ़ी दिनों से मुस्बत रुझान दिखा रहे थे। दूसरे नंबर पर स्टील सेक्टर की जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है, कमर्शियल बैंक्स ने हाथ खड़े कर दिए LCs खोलने में और मजमूई तौर पर इस वक्त एग्रीगेट जो खाम माल की इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $150 मिलियन की फंसी हुई हैं स्टील सेक्टर की, जिसकी बुनियादी वजह डॉलर्स का नापेद होना है, उनको डॉलर मुहैया नहीं किए गए। तो यूं हमने देखा कि लोकली 3 लाख से भी ज़्यादा रेट हो गया एक टन सरिये का, 1-2 लाख टोटल इस वक्त स्टील सेक्टर अक्रॉस द कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि 2 लाख बंदों को रोज़गार दे रहा है तमाम सेक्टर ये। जबकि गवर्नमेंट को अगर टैक्स की हम बात करें तो टोटल टैक्स पिछले साल टेक्सटाइल सेक्टर ने स्टील सेक्टर ने तकरीबन 255 अरब रुपया गवर्नमेंट को जमा कराया था इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। कल एक बार फिर से आपके मुलाकात होगी मज़ीद तजियात और मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।